2018 को, मैम कैमल मिल्क एंड अश्वगंधा से हाइट बढ़ सकती है क्या? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई मैम। देखिए कैमल मिल्क को मैं रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उसके कुछ मैंने खास ऐसे बेनिफिट्स नहीं देखे। यस, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है या फिर अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो ऐसे केसेस में जब लैक्टोस रिकमेंड नहीं किया जाता या फिर लो लैक्टोस वाले मिल्क को रिकमेंड किया जाता है, तो ऐसे में कैमल मिल्क आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो, आप नॉर्मल हो, किसी भी तरह की आपको मिल्क एलर्जी वगैरह नहीं है, तो कैमल मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अश्वगंधा को, अगर आपको आइडियली अश्वगंधा लेना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप काउ मिल्क के साथ लीजिए। काउ मिल्क वो भी लो कैलोरी वाला, हाई कैलोरी यानी कि वो गोल्ड वाला या फुल फैट वाला जो मिल्क होता है या तबेले का मिल्क होता है, वो आपको नहीं लेना है। लो कैलोरी, लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क के साथ अगर आप अश्वगंधा लेते हो, तो उससे आपको मैक्सिमम और बेस्ट बेनिफिट मिलते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है mumbailab2020@gmail.com, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।